एबीपीएस न्यूज सच का साथी। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अधिवक्ता आंदोलन संघ के संस्थापक अध्यक्ष शरद मिश्र सिंधु ने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ दिया धरना। उन्होंने कहा कि भारतीय आजादी के सफल संघर्ष में अधिवक्ता समाज एवं साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान है। अधिवक्ता गणों ने निडर होकर जिस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, उसी प्रकार सच्चाई और कानून के राज की स्थापना के लिए वे आज तक संघर्षरत हैं। अधिवक्ताओं के मूल अधिकार का हनन भी किया गया, उनको अन्य कार्य करने से रोका गया और उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई योजना नहीं लाई गई। इसलिए ये मांग की गई कि ठीक है, बहुत गरिमा का काम है वकालत, वो गरिमा बनी रहे इसीलिए उनको PGI में निःशुल्क चिकित्सा दे दीजिए, उनको पेंशन योजना दे दीजिए। क्योंकि जो मैं कहता हूँ, DM साहब होते हैं, SDM साहब होते हैं, SSP साहब होते हैं, इन लोगों को इतनी सैलरियाँ दी जाती हैं, ये जनता का काम नहीं करते, जब तब जनता वकील के पास आती है और वकील सरकार को रेवेन्यू भी देता है और जनता का वही काम करती है जिसके लिए इतने बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त हैं। तो जब वकील जीवन भर जनता की इस तरह समाज की सेवा कर रहा है और उसके रहने से ही ये समाज में बात जाती है कि नहीं, हम अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो वकील साहब हैं, वो न्याय दिलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब इतनी बड़ी आश्वस्ति है न्याय की, वकील है, तो वकील के बुढ़ापे को, उसके जो है लाचारी की स्थिति को संरक्षित किया जाना चाहिए। वो आजीवन तो जो है बिना कुछ सरकार से लिए सरकार का ही काम कर रहा है। ABPS न्यूज़ सच का साथी।